तो फिर एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर आटे की बर्फ़ गीली हो गई है तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप बताऊंगी जिससे कि आपके आटे की बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी या फिर सूजी की बर्फ़ी, किसी भी तरीके की अगर बर्फ़ी आपकी गीली हो गई है तो आप उसको 2 मिनट में ही सही कर सकते हो। मतलब एक टिप ऐसे सीक्रेट है जिससे आप कई तरह की बर्फी में आप उसको यूज़ करके आपकी मिठाइयों को, बर्फी को सही कर सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा आज का वीडियो, तो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो में पूरे समय तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इसमें, जिससे आपकी अगर बेसन की बर्फ़ी या फिर सूजी की बर्फ़ी, कोई भी बर्फ़ी अगर आपकी गीली हो गई है, चिपचिपी हो गई है या बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो गई है, तो आप उसको बड़े ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आटे की बर्फ़ी के बारे में बता रही हूँ। देख सकते हैं आपकी हमारी बर्फ़ी ये बहने वाली नहीं है, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो बर्फ़ी हमारी है वो बहने वाली नहीं है, चिपचिपी सी बर्फ़ी है हमारी। मैं आपको यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ कि ये किस टाइप की बर्फ़ी हमारी है। तो फिर देखिएगा, जो हमने बर्फ़ी को कट किया है तो वो कट भी हो गई है, पर हम इसके पीसेस जब निकालेंगे तो इसके पीसेस बिल्कुल भी नहीं निकलते। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ पीस निकाल करके, जैसे हमने पीस निकाला ना तो बिल्कुल ये हलवे जैसा हो गया, आप देख सकते हैं बर्फ़ी को। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ में भी है तो आज की वीडियो में हम इसी तरह की बर्फ़ी को सुधारने का यहाँ पर तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट लगे हुए हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ, हम बाद में इसका यूज़ कर लेंगे। आप चाहो तो इसके सहित भी आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, समेट सकते हो बर्फ़ी को। तो मैं यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट है ना उनको निकाल लेती हूँ। तो इसके ड्राई फ्रूट मैंने हटा लिए हैं सारे, और ये ड्राई फ्रूट को हम बाद में यूज़ कर लेंगे। इस बर्फ़ी को हम इकट्ठा कर लेते हैं अभी प्लेट में। तो अगर आपकी बर्फ़ी भी इस तरीके से हलवे जैसी हो गई है तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। बहुत आसान तरीका बताऊंगी मैं वीडियो में, जिससे आपकी इस तरह की बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हो जाएगी। तो चलिए वह अभी हम कढ़ाई रखते हैं गैस पर। कढ़ाई आप मोटे तले की रखिएगा, नॉन स्टिक हो या फिर पीतल की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की कोई सी भी रख सकते हो, मोटे तले की होना चाहिए। इसमें मैंने 3 चम्मच के करीब सूजी डाली है, और सूजी को हम 7-8 मिनट तक भूनेंगे, तब तक कि इसका कच्चापन नहीं निकल जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही है, सूजी मतलब पानी सोखने में बहुत ही एकदम मास्टर होती है। तो कोई भी मिठाई आपकी बेसन की हो या फिर कोई सी भी मिठाई हो ना, आप सूजी उसमें मिला देंगे तो एकदम परफेक्ट सही हो जाएगी वो। अगर बह भी रही ना आपकी मिठाई, बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गई है, तब भी आप उसमें सूजी मिला सकते हैं। देखिएगा, सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया है 7-8 मिनट तक, हल्का सा कलर चेंज हो गया था, बड़े हंस का कच्चापन भी निकल गया था। बस ये बर्फी को हम, और जो प्लेट में हमने इकट्ठा करके रखा था ना, उसको हम इसमें डाल देंगे सूजी में, और अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इन सबको अच्छे से। बस 3-4 मिनट तक हमें इसको मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल धीमा ही रखिएगा ताकि मिठाई हमारी जले नहीं। सूजी को भूनते समय भी गैस को आप धीमा ही रखिएगा, ठीक है। और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। गैस को बंद कर दिया है मैंने। अब एक थाली मैंने ले ली है, और यहाँ पर थोड़ा सा ना इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी। घी लगा करके इसको मैं चिकना कर लेती हूँ, और ये मिठाई के जो मिक्सर है उसको हम पलट देंगे। तो फिर इस ट्रिक से आपको आपके कोई भी मिठाई हो आप इसको सही कर सकते हो। जैसे अगर आपकी नारियल की बर्फ़ी भी, अगर जैसे कि आपकी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गई है या फिर चिपचिपी सी हो गई है, वो सेट नहीं हो रही है ना, तो नारियल की बर्फ़ी में भी आप थोड़ी सी सूजी डाल सकते हैं। सूजी हल्की सी भून करके डालेंगे ना तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और बेसन की बर्फ़ी में आप यूज़ कर सकते हो इसको, आटे की में कर सकते हो। आटे की में तो जैसे हमने किया ही है, आप सूजी की बर्फ़ी बना रहे हो, कोई सी भी बर्फ़ी में आप इसका थोड़ा
थोड़ी सी 2-4 चम्मच आप सूजी उसमें मिक्स कर देंगे ना, तो आपकी बर्फ़ी एकदम मतलब परफेक्ट बन करके तैयार हो जाएगी। देखिएगा मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है उसको, इस तरीके से हम उसको आसानी से सेट कर लेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी एकदम परफेक्ट बन करके रेडी हुई है। इसको थोड़ा सा हाथ से फैला लेते हैं, हल्का ठंडा हो गया है, इसको इस तरीके से हाथ से फैला लेते हैं या फिर बेलन से हल्का हल्का सा आप इसको फैला सकते हैं। तो और भी कई तरीके की वीडियो से मेरे चैनल पर है, आप उन्हें भी देख सकते हो, बेसन की बर्फ़ी या फिर आपकी आटे सूजी की बर्फ़ी, काजू कतली, मतलब कई तरह की रेसिपी को मैंने सही करके वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर। अगर आपकी बर्फियाँ अगर ख़राब हो गई है तो आप उन्हें सही कर सकते हो। वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब थोड़ा सा ना मैंने यहाँ पर घी लगा लिया है मतलब कटोरी पर, इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको चिकना कर देंगे, बहुत ही अच्छी शाइन आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का बुरादा इसके ऊपर से मैं डाल देती हूँ कि देखने में ये बहुत ही अच्छी लगेगी। थोड़ा सा फैला देते हैं और इसको हम बस 1-1.5 घंटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। और उसके बाद में हम फिर इसको चेक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको हम 1-2 घंटे के लिए यहीं पर हम इसको प्लेटफार्म पर छोड़ देंगे। तो करीबन 2 घंटे हो गए हैं और ये मिठाई हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो फिर यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट पहले निकाल लिए थे पर इसको चिपकाना मैं भूल गई मिठाई के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर है ना मिठाई के ऊपर ड्राई फ्रूट नहीं लगाए हैं, मैं उस समय भूल गई थी जब गीली थे ना मिठाई, तो उस समय मैंने नहीं लगाए थे। तो अभी मैं क्या करूँगी, मिठाई हमारी अच्छे सेट हो गई है तो इसके किनारे हम निकाल लेते हैं, कट करके अलग कर लेते हैं। तो फिर ने अपने यहाँ पर तरीका देखा कितना मतलब आसान तरीका है मिठाई को सही करने का। बार त्योहारों में या कभी भी आपकी मिठाई किसी भी मौके पर आप बना रहे हो और बाय चांस अगर आपकी मिठाई ख़राब हो जाती है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि गीली हो जाती है, तो आप उसको बड़े आसान तरीके से सही कर सकते हो। और देखिएगा एक ही ट्रिक है, एक ही ट्रिक से आप कई तरह की मिठाइयों को सही कर सकते हो। आप इसको बेसन की बर्फी में भी यूज़ कर सकते हो, सूजी को डाल सकते हो थोड़ा सा सेक करके, और फ्रेंड आप मावे की मिठाई में भी डाल सकते हो। अगर आपकी मावे की मिठाई गीली हो गई तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो, नारियल की मिठाई में डाल सकते हो, सूजी की मिठाई में डाल सकते हो आप, मतलब कई तरह की मिठाई, उनमें थोड़ी सी सूजी अगर आप सेक करके डाल देंगे ना तो आपकी मिठाई कितनी भी मतलब लिक्विड हो गई हो, चिपचिपी हो गई हो, कैसी भी हो, बहुत ही आसान तरीके से मतलब एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो इसको हम कट कर लेते हैं। और देखा आपने कि जो हमारी बर्फी एकदम हलवे की तरह हो गई थी, वो बर्फी कितने आसान तरीके से एकदम परफेक्ट हो गई है। तो ये देखिएगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारी ये बर्फ़ी सेट हो गई है। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपकी बर्फ़ी लिक्विड हो जाए या फिर चिपचिपी सी हो जाए तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से सही कर सकते हो। तो फिर ना अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगती हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर कोई और मिठाई अगर आपकी ख़राब हो गई है, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है किसी मिठाई में या फिर और किसी चीज़ में, तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और मतलब और किस तरीके का वीडियो अपलोड करूं ताकि आपकी और भी कोई मिठाई या फिर और भी कोई चीज़ अगर ऐसे बिगड़ रही है तो आप उसको सही कर सकते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो फिर से बना करके ला सकूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो हमारा आटे की मिठाई थी ये हमारी एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। कोई देख करके बोल नहीं सकता कि जो हलवे जैसी हमारी मिठाई हो गई थी उसको बड़े ही आसान तरीके से हमने सही कर लिया है। देख करके या खा करके भी कोई नहीं बता सकता कि ये वही हलवे जैसी मिठाई है हमारी, जो शुरू में आपको दिखाई थी बिल्कुल हलवे जैसी लग रही थी। और देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको सही कर लिया है, तो कोई भी नहीं दिखा सकता। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।